नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको दिखाने जा रहा हूँ MC4 कनेक्टर। तो MC4 कनेक्टर क्या होता है? तो जब भी हम पैनल सोलर पैनल के कनेक्शंस करते हैं तो उस कनेक्शन में सबसे मेन रोल होता है हमारा MC4 कनेक्टर का। तो MC4 कनेक्टर कई प्रकार के होते हैं। तो ये अभी नॉर्मल वन इन वन आउट ये MC4 कनेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, सिर्फ हम एक इनपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे हमारे पास में ये अभी दो पैनल हैं, 20 वाट के दो पैनल हैं। तो इनको अभी हम आपको सिर्फ ये कनेक्शन करके दिखाएंगे किस तरीके से MC4 कनेक्टर को जोड़ा जाता है। तो MC4 कनेक्टर का जो मुख्य कार्य होता है कि जंग और कार्बन आदि से हमारे वायरिंग को बचाता है। तो ये इसमें कई प्रकार के कनेक्टर्स आते हैं। वाई कनेक्टर आता है, 3-in-1 आउट आता है, 4-in-1 आउट आता है, 6-in-1 आउट। तो वो मैं अभी आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अभी ये 1-in-1 आउट मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमने आप लोगों ने देखा है कि ये इसमें दो ये पतला वाला जो होता है इसको मेल कनेक्टर बोला जाता है, या प्लस का साइन भी इसमें रहता है। कई बार क्या होता है, जब ज़्यादा समय हो जाता है तो हमारे एक सिंबल्स मिट जाते हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान ये है कि जो पतला वाला रहता है इसको मेल कनेक्टर बोला जाता है, और इस तरीके से ये मोटा वाला इसको हम फीमेल कनेक्टर बोलते हैं। तो इंटरनली अंदर से इसके कैसे रहता है, जैसे कि अभी मैंने इसको खोला ऊपर से, इसके अंदर एक और ये प्लास्टिक का कवर है, और इसके बाद एक और कवर है। तो इसके बाद हमारा ये इसमें थिम्बल है। इस थिम्बल की सहायता से हम क्या करेंगे, जो हमारा वायर है उसको इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो ये अभी मैंने आपको एक का दिखाया था, सेम इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा कनेक्टर है इसमें भी अंदर से सेम ऐसे ही रहता है। अभी अंदर जाके इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं, ये जो है अंदर जाके इस तरीके से जुड़ जाते हैं। तो ये आप देखेंगे इतना सारा तामझाम इसमें हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि इसमें कार्बन जंग आदि नहीं पहुंच पाता है अंदर तक। तो ये मैंने आपको इंटरनली दिखाया था कि किस तरीके से अंदर जाके ये जुड़ते हैं। तो मैं अभी दोबारा से इसको डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो हमें ये देखने में पतला लग रहा है, ठीक है, और ये बाहर से दिखने में मोटा लग रहा था, लेकिन अंदर जाके ये दोनों एकदम उल्टे हैं। इस तरीके से ये हमारा एक जैसे अभी हमने खोला था ये फिर से ऐसा हो गया। इसको भी मैं अभी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो अभी मैं आपको किस तरीके क्रिम करके कैसे कनेक्शन किए जाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मैं दोबारा से इसको एक बार खोल रहा हूँ कि अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए निकाल के दिखाया था कि अंदर से कैसा होता है और बाहर से कैसा होता है। तो अभी आप लोगों ने अंदर बाहर दोनों तरफ से देख लिया है। फिर से मैं एक बार एक एक को खोल रहा हूँ और अभी क्रिम करके हम बताएंगे आपको कैसे किस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। अभी ये देख रहे हो, ये हमारा दो पैनल है, एक ये 20 वाट का पैनल है और दूसरा ये भी 20 वाट का पैनल है। तो अभी मैं यहाँ पे सीरीज कनेक्शन करूँगा। सीरीज कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, प्लस को माइनस के साथ में जोड़ा जाता है। तो मैं अभी इसको पहले मैं इसको प्लायर की सहायता से थोड़ा कर ले रहा हूँ, फिर इसको हम क्रिम कर देंगे। तो
ये हमारा क्रिम्पिंग टूल है, इसको क्रिम करने अच्छे से इसको हम क्रिम कर देंगे जिससे कि ये दोबारा से निकले ना। ये देखो ये दोबारा से एक बार फिर से मैं इसको इधर साइड से भी इसको क्रम कर दूंगा तो ये फिर हमारा निकलेगा नहीं। ये देखिए अब ये हमारा इसमें स्पार्किंग कार्बन जंग किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ये कनेक्टर हमारा था मेल कनेक्टर, तो लगाने से पहले ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे डालनी है। तो ये सबसे पहले इसका आउटर जो था वो डाल लिया, इसके बाद ये लगना था तो ये देखिए हम इसको अब अंदर इसकी फिक्स कर रहे हैं, तो इसको हमने इस तरीके से बंद कर दिया तो ये हमारा एक सिरा प्लस वाला हमने कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरीके से हम अब माइनस वाले सिरे को भी लगाएंगे। तो बहुत लोग क्या है कि इंस्टॉलेशन करते हैं MC4 कनेक्टर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो MC4 कनेक्टर का यूज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके कार्बन जंग और ये कई प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो इन सबसे अगर बचना है हमें पैनल की लाइफ ज़्यादा चलानी है, हमारे कनेक्शन अच्छे से रहे, किसी प्रकार का हमें बार बार दिक्कत ना आए, वोल्टेज हमारा ड्रॉप ना हो, इन सब के लिए क्या करते हैं हम MC4 कनेक्टर का यूज करते हैं। तो अभी मैंने इसको ट्रिम कर रहा हूँ। ये इस अच्छे से इसको क्रिम कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये किसी प्रकार की स्पार्किंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने इसको इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, इसको ब्रांच कनेक्टर भी बोला जाता है, MC4 कनेक्टर भी बोला जाता है, कहीं पे भी केबल कपलर भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ से आउटपुट निकालेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा उद्देश्य यही था कि MC4 कनेक्टर क्या होता है और इसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो ये वन इन वन आउट MC4 कनेक्टर हमने आपको आज दिखाया कनेक्शन करके। तो वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।